नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप लोगों का एक और बार सिद्धार्थ लाइव परिवार में। आशा करता हूँ कि आप लोगों की जो काउंसलिंग वगैरह है, जेईई मेंस वगैरह के बच्चों की बहुत अच्छी चल रही होगी, और जो विंटर एडमिशन्स चल रहे हैं मास्टर्स के लिए वो भी आप लोगों के बहुत अच्छे चल रहे होंगे। जैसे कि आप लोग मुझसे लगातार कमेंट में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी, कोई ना कोई ब्रांच, किसी ना किसी कॉलेज की आप रिव्यू की जिक्र करते हैं, उसी दौर में मैं एक बार, अभी मैंने IIT पलक्कड़ MS मैकेनिकल का रिव्यू किया था, उसी में क्या हुआ कि एक नीचे कमेंट आया हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे कमेंट दिख रहा होगा आप लोगों को कि IIT पलक्कड़ MScSE का रिव्यू कीजिए। तो जैसा मेन मोटो ये रहता है, अगर किसी के लिए कुछ ज़रूरी है, कोई ब्रांच, कोई कॉलेज ज़रूरी है, तो आप मुझे बताइए, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कॉलेज किस लेवल का है, इतना अच्छा है, वीडियो चलेगा या नहीं चलेगा। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ये रहेगी कि आप लोगों को आपकी मंजिल मिल पाए, ये मेरा प्राइम मोटो है। चलिए एक छोटे से इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूँ अपना मास्टर्स फ्रॉम NIT। बात कर लेते हैं IIT पलक्कड़ MScSE की। IIT पलक्कड़ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया केरला में पड़ता है, और यहाँ पर समर और विंटर दोनों टाइप के एडमिशन्स होते हैं MS के लिए। MS के साथ साथ यहाँ पर PhD के एडमिशन्स भी होते हैं और MTech के भी होते हैं, बट MTech के सारे एडमिशन्स समर में होते हैं और MS के आपके समर में और विंटर में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं यहाँ पर कि एडमिशन प्रोसेस वगैरह कैसा रहता है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना रहता है, वहाँ पर CS डिपार्टमेंट के अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करने पड़ते हैं जो ऑनलाइन दिए रहते हैं। देखिए बहुत सारे IITs में क्या होता है कि MS के सेप एक जैसा एक ही फॉर्म जाता है, मैकेनिकल के लिए एक MS मैकेनिकल के लिए फॉर्म चला जाएगा या MS मटेरियल के लिए फॉर्म चला जाएगा, और जब आप वहाँ कॉलेज में पहुँचोगे आपको जब MS मिल जाएगा उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। IIT पलक्कड़ MS में ऐसा नहीं होता है, आपको सेपरेट डिपार्टमेंट के लिए अलग अप्लाई करना पड़ता है। CS के अंदर ही यहाँ पर सेपरेट डिपार्टमेंट है, जैसे मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ। अगर बात करते हैं कि CS में आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पर सिस्टम, फिर मशीन लर्निंग होता है, यहाँ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होता है। तो ये दो तीन डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको सेपरेट एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा फॉर MS, और आप उसी में अपना आगे चलकर रिसर्च पेपर या रिसर्च का काम कर सकते हो। यहाँ पर एडमिशन के लिए बताऊँ तो जनरली आपका गेट स्कोर है पहले बहुत लो हुआ करता था, 2019 में ही यहाँ पर MScSE स्टार्ट हुआ है, तो मतलब इस साल उन लोगों के प्लेसमेंट चल रहे हैं। तो मेरे दोस्त लोग वहाँ पर पढ़ते हैं, तो जैसा कि मैं लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया अभी मां भाई मेरे प्लेसमेंट चल रहे हैं, तो अभी 2019 में ही पहला बैच अपेयर हुआ है, तो मतलब अभी जस्ट MS यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो उन लोगों का कट ऑफ थोड़ा कम था, बट धीरे धीरे देखा जा रहा है कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको 550 के अराउंड कट ऑफ देखने को मिल सकता है। और इस साल क्या हुआ था, रिटन टेस्ट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे उन्होंने एक क्राइटेरिया जनरल के लिए 75% बोर्ड परसेंटेज रख दिया था, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा आपके CGPA आपसे मैच करते नहीं करते हैं। उसके बाद क्या होगा, विदाउट रिटन आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अप्लाई होगे, आपका डिपार्टमेंट पहले से मेंशन होगा तो आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, और वेरी बेसिक इंटरव्यू होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को वैसे बताया, आप बोलोगे तो मैं आपके लिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी लेकर आ जाऊँगा, है ना, वहाँ के बच्चों के साथ, तो आप लोगों को हेल्प मिल पाएगी कि इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करो कि आपका सिलेक्शन हो पाए। उसके बाद बात कर लेते हैं इंटरव्यू आपका, जनरली यहाँ पर बच्चे कम ही आते हैं, 10-12 बच्चों को ही कॉल किया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक ये भी चीज़ है कि यहाँ पे अभी जो एप्लीकेशन है वो बहुत कम आ रही हैं MS के लिए, क्योंकि थोड़ा सा थर्ड जनरेशन मतलब IIT है, अभी अभी MS स्टार्ट हुआ है, तो लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस पर। इसके बाद बात कर लेते हैं, इंटरव्यू आपका करीब 30 मिनट के आसपास जा सकता है, जैसे कि मेरे दोस्त का गया था। अब एक ही इंटरव्यू होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि कोई, जैसे आपने एक डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया तो आप कितने मैक्सिमम डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो CS के अंदर, तो आप मैक्सिमम 2 डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो, 2 से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्ट्रेंथ वगैरह कैसी रहती है, तो 2019 में क्या हुआ था, 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया था और 2 लोगों को वेटिंग लिस्ट दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पर विंटर में एक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ और 2 की वेटिंग लिस्ट थी, वैसे 2 लोगों को सिलेक्ट किया था बट एक आया नहीं था। उसके बाद क्या करते हैं, जो समर के एडमिशन हुए थे उसमें क्या हुआ कि एक दो दो तीन बच्चों को सिलेक्ट किया गया पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया CS में, तो इस साल मतलब समर में कोई बच्चा नहीं आया था, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली विंटर में एडमिशन के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब कुछ ज़्यादा 3-4 लोगों को वो ले सकते हैं। अभी इतने कम लोगों क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेरी कैंपस है, फैसिलिटीज़ उतनी अप टू दैट लेवल नहीं है, लैब्स वगैरह बन चुकी हैं,
फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो अभी वहाँ पे थोड़ा सा एमएस टीचर्स की भी अवेलेबिलिटी के वजह से थोड़े एमएस स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट्स अभी वहाँ पर कम हैं, तो इसलिए कम वैकेंसी निकलती है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टडी वगैरह कैसी होने वाली है। तो यहाँ पर कोडिंग कल्चर अगर देखा जाए तो ठीक है, मतलब आप फाइन कह सकते हो एज़ कम्पेयर टू IITs, तो अच्छा ही होगा, बट उतना अप टू दैट लेवल आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। मतलब आपको बात करें कि असाइनमेंट्स कोड्स, तो असाइनमेंट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे, टेस्ट लगातार होते रहेंगे। अगर आपने जैसे ही ज्वाइन किया आपको धीरे धीरे फील होने लगेगा और आपका शेड्यूल पूरा बिजी हो जाएगा। और अगर आप ये सोचने जा रहे हो कि एमएस के साथ आप गेट की तैयारी कर लोगे IIT पलक्कड़ में, तो ये पॉसिबल नहीं है। CS में आप नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा असाइनमेंट वर्क रहता है, बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, तो ये तो पॉसिबल आपको कहीं से भी नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि यार एमटेक में भी यहाँ पे दो तीन ब्रांच CS में खुली हैं, जैसे डाटा एनालिटिक्स, मैथमेटिकल का डिज़ाइन, ठीक है। तो मैंने देखा था बहुत सारा कि मतलब एक ग्रुप है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ थे कि ये ब्रांच कैसी है। देखो अभी आप ये ब्रांच बता ही नहीं सकते हो ये ब्रांच कैसी है, क्योंकि ये फर्स्ट बैच है, 2020 में ही समर में आया है, तो अभी आप कुछ नहीं कह सकते। ब्रांच ऑब्वियस अच्छी है, लेकिन अभी अभी इनिशिएट हुआ है, थर्ड जनरेशन IIT, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको प्लेसमेंट के टाइम। बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टडी की बात हो गई, लैब्स की बात हो गई, और अब आप बात कर लेते हैं कोर्सेज वगैरह की। तो यहाँ मैंडेटरी होता है, 5 कोर्सेज मिलते हैं MS स्टूडेंट को, जो उनको करने होते हैं वो किसी भी सेमेस्टर में कर सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, कैसे भी तोड़ के उसे 2, 3, 4, 1 अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिनिमम 5 कोर्सेज होते हैं, उसके साथ अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई और कोर्स लग रहा होता है, कोई और इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो अपने गाइड की परमिशन लेके। टाइम बाउंडेशन थोड़ा सा मैं कहूँगा यहाँ पर टाइम का ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं रहता है, पर आपको 1 से 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करने हैं, तो यहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, तो आपको लगातार लैब्स में काम करना रहेगा, और गाइड अगर अच्छा रहेगा ना तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाओगे। और आपका जो कोर्स वर्क है वो आपके मन के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि जो MS है वो एक टाइप का मिनी PhD है। प्लेसमेंट की बात करूँ तो प्लेसमेंट की बात ऐसी है कि अभी जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट बैच पास आउट हो रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर अभी कितने लोग, 2 लोग अपीयर करने वाले हैं, ठीक है। तो सिर्फ 2 लोग अपीयर करने वाले हैं, तो यार देखो, यार देखो एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा मैं आप लोगों को। पहले क्या होता था, यहाँ पर जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं लाइक मैकेनिकल, सिविल, उनमें इलेक्ट्रिकल है, तो उनका थोड़ा MS पहले स्टार्ट हो गया था, तो MS वाले स्टूडेंट्स को कंपनीज प्रेफर नहीं करती थी, और यहाँ के बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे। बट इस साल क्या हुआ है कि इस साल के MS के बैच के बच्चों ने इनिशिएट किया है, अपने प्रोफेसर से बोला कि सर हमें भी प्लेसमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ का मौका दिया जाए। तो इस साल उनके प्रोफेसर्स ने उन्हें TPO से बात करके वहाँ पे उन्हें प्लेसमेंट का मौका दिया है। तो एक सबसे अच्छी बात क्या है ना, अगर 2 ही बच्चे हैं, कंपनीज तो आ ही जाएंगी यार, IIT है, थोड़ी बहुत कंपनीज, और ऊपर से CS ब्रांच है, BTech के लिए तो कंपनियाँ वहाँ पर आती ही हैं। तो अगर MS स्टूडेंट के सिलेक्शन के CS में चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्या 2 बच्चे ही हैं, आराम से प्लेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। आराम से आप 7-8 लाख, 9 लाख अगर अच्छे हुए तो और ज़्यादा लाख के पैकेज पे आप प्लेस हो जाओगे। तो यहाँ पे मुझे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से कम स्ट्रेंथ है, तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, अगर ज़्यादा बच्चे होते और सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन IIT होता, जैसे और IITs तिरुपति, धारवाड़ में 10-10 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है, पर 2 बच्चों में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी। एक बहुत अच्छी मुझे बात लगी, जिसके थ्रू मुझे लगता है शायद आप IIT पलक्कड़ ले सकते हो, क्योंकि अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ऐसे ही कम रहेगी MS की, तो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी, 2 बच्चे हैं, प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा, करवा ही देंगे कहीं ना कहीं से यार TPO, और थोड़ा तो स्किल इतना ज़्यादा डेवलप हो ही जाता है IIT के अंदर। बात करूँ अगर कंपेरिजन की किसी और IIT के कंपेरिजन में, तो अभी तक तो IIT पलक्कड़ थोड़ा बॉटम में ही चल रहा था, अभी मतलब इम्प्रूवमेंट वहाँ पर लगातार हो रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वहाँ पर टेम्परेरी कैंपस है, लेकिन मैंने आपको MS CSE के लिए बता दिया कि क्या अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ फ़ायदे हैं MS CSE लेने के। हाँ, सजेस्ट करूँगा मैं आपको क्या, जो मतलब मेरे खुद के दोस्त ने ही सजेस्ट किया, कि सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग ना जब अगर सोच रहे हो कि यार मुझे यार CS में MS ऐसे ही मत ले लो, कि IIT पलक्कड़ मिल रहा है, MS कट ऑफ में आ सकता है ना, तो ले लो, नहीं, पहले आप सोचो कि आप लोगों को ना आगे किस फील्ड में काम करना है, उसके बाद आप क्या करो, वहाँ IIT पलक्कड़ के प्रोफेसर्स की लिस्ट खोलो CS के, और वहाँ पे चेक करो कि उनका जो डिपार्टमेंट है वो किस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, या उनका जो PhD है, या उनका जो रिसर्च वर्क है वो किस फील्ड में, और अगर वो आपके रिसर्च फील्ड से मैच करता है तो आप उन्हें ज्वाइन करो। नहीं तो क्या होगा, आप अगर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट नहीं लोगे तो आगे चल के ना आपको ना प्लेसमेंट के टाइम, ना आगे रिसर्च पेपर का टाइम बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जैसे जनरली जो MS का टाइम पीरियड रहता है वो 2.5 से 3 साल रहता है, जैसे मैं स्टैंडर्ड तो 2 साल है IIT पलक्कड़ में,
वो जनरली पेपर 2.5 साल 3 साल के लिए भी एक्सटेंड कर ले जाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया और रिसर्च अच्छे से नहीं हो पाई तो आपका एमएस पूरा बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर बिना रिसर्च पेपर के आपको डिग्री नहीं मिलने वाली। ये कोई एमटेक नहीं है कि 2 साल में आपको डिग्री मिली ही जाएगी। ये एमएस है, यहाँ पर जब तक रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होगा, कुछ नया इन्वेंट नहीं होगा, तब तक आपको डिग्री नहीं मिलने वाली है। तो बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन बनाइए। और अगर आप लोगों को एमएस सीएससी आईआईटी पलक्कड़ का वीडियो अगर ये अच्छा लगा हो तो यार अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल पर दे दीजिए। और भाई बताओ यार, जितने लोग देख रहे हो ना, आपको क्या चाहिए, किस ब्रांच का रिव्यू चाहिए, किस एनआईटी का, किस आईआईटी का, किस प्राइवेट कॉलेज का। ठीक है, वैसे अच्छे ही प्राइवेट या अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करना है, पर बेकार प्राइवेट कॉलेज की मैं खुद भी नहीं बनाऊंगा कभी वीडियो। ठीक है, हमेशा कोशिश मेरी ये रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट और एवरेज स्टूडेंट्स को। देखिए क्या होता है, टॉप आईआईटीज़ के रिव्यूज़ तो सब कर लेते हैं, वो आसान होता है करना। ठीक है, सबको पता है वहाँ से एवरेज पैकेज 10 लाख का 8 लाख का 9 लाख का जाने वाला है। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जो एवरेज स्टूडेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट है जिन्हें बहुत सारे कॉलेज मिल रहे हैं, कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, उनके लिए मैं यहाँ पर मोस्टली मैं अपना ये जो चैनल है उसको प्रमोट कर रहा हूँ कि आपको हेल्प करने के लिए। तो बताओ यार आपको किस ब्रांच का, किस आईआईटी का। धीरे धीरे मैं देखिए हर 2 दिन में एक वीडियो लाता हूँ, 2-3 दिन में एक वीडियो मेरा पोस्ट हो जाता है। तो आपका 10-5 दिन के आसपास कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के वीडियो को पोस्ट करने की। और अगर वो उतना अच्छा नहीं हुआ कि जिसमें मुझे लगा रिव्यू बनाना चाहिए, तो मैं आपको पर्सनली अपने एफबी वॉच में आपको वहाँ की पूरी जानकारी दे दूँगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो फेसबुक इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लेना। अनअकैडमी पर मैं खुद ही लेक्चर्स देता हूँ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की, तो वहाँ भी मुझे आप फॉलो कर लेना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, सिद्धार्थ लाल परिवार में आपका स्वागत होता रहेगा।